Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. And if you're new to this channel, hey, my name is Demon Shahzad and I'll be very happy if you take a moment and subscribe to my channel below and don't forget to like and share. So aaj ki video mein main aapke saath ye blue hello eye look share karungi. Ye look dikhne mein mushkil lagti hai but believe me, agar aap meri video ko tasalli se aur end tak dekhenge to aapko bilkul bhi mushkil nahi lagegi. Aap bahut aasani se ye look khud create kar sakenge. To chalte hain aaj ki eye look ki taraf. Maine apne eyebrows ko fill up kar liya hai, eyelid ko prime kar liya hai. सबसे पहले मैं वाइट आई पेंसिल लूँगी. आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं, आप वाइट कंसीलर भी ले सकते हैं. मैं फ्लोर मार्क की आई पेंसिल ले रही हूँ और उसको अपनी आईज़ पे अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि मेरी आईज़ अच्छे से लाइटन अप हो जाएं और जो शेड्स मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ वो अच्छे से उभर के आएँ. अब मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड आउट कर दूंगी. मैं व्हाइट आई शेडो से इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ. ग्लैमरस पैलेट से ये डार्क ब्लू शेड लूँगी और इसे अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई करूँगी. मैं इस शेड को डैब डैब करके अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी. जब मुझे लगेगा कि ये शेड अच्छे से मेरी क्रीज एरिया पे अप्लाई हो गया है तो मैं सेम ब्रश के साथ इसके एजेस को ब्लेंड आउट करना स्टार्ट कर दूंगी. मैं उषास की आई शेडो पैलेट से ये कूल ब्रीज शेड लूंगी और पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इस शेड को अपने प्रीवियस शेड के साथ ब्लेंड आउट कर दूंगी ताकि अगर कोई हार्श लाइन रह गई है तो वो अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाए. अब मैं सेम पैलेट से ऑन एयर शेड एक छोटे से ब्रश पे लूँगी और सेम जैसे हमने लास्ट शेड के साथ किया था इसको भी एजेस पे ब्लेंड आउट कर दूँगी एंड दिस इज़ गोना एक्ट एज माय ट्रांजिशन शेड. नेक्स्ट टाइम यूजिंग एलेगल का प्रो कंसीलर जो कि मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, इससे मैं अपनी क्रीज को कट करूँगी. आई एम टेकिंग कंसीलर ऑन बैक ऑफ माई हैंड और फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपनी क्रीज को कट करना स्टार्ट करूँगी. अगर आप बिगनर हैं तो आप ब्रश पे बिल्कुल थोड़ा सा कंसीलर लें, नहीं तो आपका पूरा आई लुक मैसअप हो जाएगा. मैं ब्रश को अपनी क्रीज में स्ट्रेट अप्लाई करूंगी ताकि मुझे एक लाइन मिल सके.
उसके बाद मैं वाइप्स लेकर अपने आईलिड एरिया को साफ़ कर लूँगी ताकि एक क्लीन कैनवस मिल सके। तो जो शेड मैं इस पर अप्लाई करूँगी वो अच्छे से पॉप अप करेंगे। अब मैं सेम कंसीलर का अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी। और उसके बाद मैं उसको ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर दूंगी। अब जो शेड मैंने क्रीज पे अप्लाई किया था वही शेड मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी और साथ के साथ उसको ब्लेंड करती जाऊंगी। इनर कॉर्नर्स पे भी वही शेड अप्लाई करूंगी और साथ में कंसीलर की लाइन को डिफ्यूज करती जाऊंगी। अब मैं सेम ब्रश पे कूल ब्रीज शेड लेकर उसे अपने पहले शेड के साथ दोनों साइड्स पे अप्लाई करूंगी और ब्लेंड करती जाऊंगी। अब मैं ग्लैमरस पैलेट से ये शिमरी ब्लू शेड लूँगी और अपने फिंगर के साथ इसको अप्लाई कर दूँगी। मैं ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि कुछ मैसअप ना हो जाए। अब जिस शेड को एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था उसके साथ मैं एजेस को ब्लेंड कर दूंगी। मैंने अपनी वाटर लाइन में क्रिस्टीन का ब्लैक आई पेंसिल अप्लाई किया है। मैं एंगल ब्रश पे डार्क ब्लू शेड लेकर उसको अपनी लोअर लैश लाइन के साथ साथ अप्लाई कर दूंगी। अब छोटे ब्रश पे लाइट शेड लेकर उसको लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड आउट कर दूंगी। मैं शिमरी शेड से अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूंगी। जिस ब्रश से मैंने क्रीज को कट किया था सेम ब्रश को लूँगी। उसमें कोई कंसीलर अप्लाई नहीं किया। उस पर पहले से जो कंसीलर लगा हुआ था उसके साथ मैं अपने ब्राउ बोन को डिफाइन कर लूँगी। इससे बहुत नीट लुक आती है। अब मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूंगी और आप देख सकते हैं कि मेरी आई लुक यहाँ पे कितनी अच्छी लग रही है। मैं हैंग फैंग का ग्लिटर लाइनर लूंगी इन शेड नंबर 1 और उससे मैं अपनी क्रीज में एक लाइन लगाऊंगी ताकि क्रीज अच्छे से डिफाइन हो।
अब मैं ग्लिटर को अपने लिड के सेंटर में अप्लाई करूंगी। इसके बाद मैं फिंगर की हेल्प से ग्लिटर्स को ब्लेंड कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि ग्लिटर्स लगाने के बाद मेरी आईज एकदम से इनहेंस हो गई हैं। मैंने मस्कारा और लैशेस को ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिया था और ग्लिटर्स को अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लिया था। एंड हियर्स द फाइनल लुक। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आई लुक कैसी लगी। आप अपना फीडबैक मुझे इंस्टा पे भी दे सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं emma.shahzad के नाम से। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।